ये दुनिया बहुत अजीब है, ये प्यार लेना तो चाहती है पर बदले में प्यार देना नहीं जानती, और फिर जब रिश्तों में खटास पैदा होती है तो शुरू कर देते हैं एक दूसरे पर आरोप लगाना। ये खटास जब सास बहू के रिश्ते में हो तो इनके बीच की नोकझोंक का रिश्ता बहुत पुराना है। सास बहू जब प्यार से रहे तो किसी माँ बेटी से कम नहीं, लेकिन क्या हो जब इनके बीच आपसी तकरार हो तो ध्यान में आता है झगड़े और कलेश। ये झगड़े या तो पति को पत्नी से अलग कर देते हैं या फिर माँ को अपने बेटे से, क्योंकि पत्नी को सास पसंद नहीं आती और वो उससे अलग होना चाहती है, तो फंसता तो दोनों तरफ से बेचारा पति ही है। सास बहू के झगड़े की कुछ नोक झोंक इस कहानी में भी घटित हुई है, लेकिन साथ ही में इसका एक शानदार हल भी दिया गया है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। सास बहू के किस्से कहानियाँ। हाल ही में नैना का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। नैना की सास रूढ़िवादी थी, जबकि नैना आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़ने होने लगे। कई महीनों के बीच जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ नैना और ज्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। वो सोचने लगे कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया, तब नैना गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। नैना के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खानों में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। नैना के पिता को यह सब जानकार काफी दैख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नैना सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वो प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी, भले ही वो कुछ भी कहे। तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। उद्धरण चिन्ह। नैना सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ नैना की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि नैना अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी, इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और नैना खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब नैना को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास जल्द ही मर सकती है। वो अपने पिता के घर पर गई और उनसे कहा, पिताजी कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती, वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर, मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। उद्धरण चिन्ह। नैना हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछी, उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आए हो। नैना अपने पिता की बात समझ चुकी है। हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है, यह अक्सर कई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को भी बदलना चाहिए। और जब इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच उठते हैं तो उनके प्रियजनों का कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करें।
ये भी पड़े पति पत्नी के झगड़ों से निपटने की कहानी है। स्टोरी पूरा देखने के लिए धन्यवाद।